इनका नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है ना, कुछ लोगों ने बीच में बदमाशी करी होगी, वो सात आठ परिवार को तो मिल गया, बाकियों को छोड़ दिया। हो सकता है इन बेचारों के पास चाय पानी ना हो देने को। ये बड़ा सिस्टम गलत है ना। ये आप लोगों ने मुझे तीसरी बार विधायक बनाया है, और मेरे होते हुए अगर आपको देश के उस महान विभूति के लिए अगर चंदा करना पड़े, तो मैंने कहा ये मेरे लिए भी शर्म की बात है। हेलो दगड़ियो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, पैलाग अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल में मैं बीरू रुथवाल देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत हसीन वादी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो यार दोस्तों, आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरी हो रही है मॉर्निंग से, और आज का मौसम भी काफ़ी बेहतरीन और खूबसूरत है, और मौसम थोड़ा सा मस्त है, मतलब साफ भी है, क्योंकि लगभग चार पाँच दिन, मतलब एक महीने पहले से कंटिन्यू बारिश है, और कल और आज काफ़ी अच्छी धूप लगे, बोले तो 15 अगस्त के बाद, और मौसम का नज़ारा कुछ इस तरीके का है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और पूजी यहाँ देखो, जो हमारे ब्लॉग में मस्त मस्त चाँचरी गाती है, मस्त करके कहाँ जा रही है पूजी? झाड़ कहाँ? कहाँ? गंडेला भी हो? हाँ। तो पूजी भी झाड़ जाने लग गई है पशुओं के लिए चारा लाने के लिए, और नज़ारा तो भाई क्या ही कहें, ऐसा नज़ारा अगर कहीं आपने देखा हो ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना भाई। मुझे खुशी है क्योंकि मेरा पहला अवसर है ये आपके ही प्रयास से इंटर कॉलेज मैं परिवर्तित हुआ। तुरंत महोदय, अभी तक जो हमारे छात्र छात्राएं हैं वो केवल जूनियर की ही बिल्डिंग में पढ़ाई करते हैं, और चूँकि इंटर कॉलेज है यहाँ छात्र संख्या बढ़ गई चुकी है, उन बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं हो पाता। महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूँगा क्षेत्रवासी की ओर से, यह हमारे सामने एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है, क्योंकि बच्चों को वास्तव में जूनियर की बिल्डिंग है उसमें बच्चों के बैठने की जगह नहीं हो पा रही है। हाईस्कूल इंटर की तो अलग रही, हाईस्कूल तक की बिल्डिंग वहाँ पर नहीं आई, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप जुझारू हैं, आप प्रयासरत रहते हैं, एक मेरा अनुरोध है कि आप अपने प्रयास से यहाँ पर एक इंटरमीडिएट का भवन लाने की कृपा करें। लिखने से नहीं होगा, मेरी कल आपके एसडीएम से नए से बात हुई, मेरे को वर्मा तो करता, मैंने वहाँ बता दिया करके, इसको भी मैं टाइट करता हूँ। आएंगे कब से है ये महिला, कोई जो भी है, इनके दूसरे घर में रह रहे हैं। एक काम करो ना, इनका जो तुमने प्रस्ताव बना रखा है उसकी एक कॉपी मेरे को दो। प्रस्ताव बना नहीं सर, टीम बनी है ना, टीम ये कब से सर, कुछ बहुत होंगे तो आगे मकान कुछ बहुत ऐसे ही रह गए अभी ना, वो मेरे को है, मेरे संज्ञान में है। करीबन भंडारी गांव ये गुरुदम कुंडली तो करीबन पूरा। अच्छा, मैं अभी बिरथी में ही हूँ, आपके पटवारी भी यही है, इन्होंने लिखा भी है भूबगैमी टीम के लिए। हाँ, ये पुरदुम उमली और भंडारी गांव जो मैंने कल आपको नोट कराया था, हाँ ये तीनों गांव में आप एक हफ्ते के अंदर भूवैज्ञानिक सर्वे, क्योंकि तीनों एक साल लगे हुए हैं, एक दिन में तीनों गांव हो जाएंगे, और ये बेचारे सब दूसरों के घरों में रह रहे हैं। हाँ तो इसको देखिए, बल्कि पुरदुम वाला तो मैं, हाँ स्थलीय निरीक्षण हुआ है पहले भाई? जो इनका नहीं हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है ना, कुछ लोगों ने बीच में बदमाशी करी होगी, वो सात आठ परिवार को तो मिल गया, बाकियों को छोड़ दिया। हो सकता है इन बेचारों के पास चाय पानी ना हो देने को। ये बड़ा सिस्टम गलत है ना ये आजकल। हाँ, इसका स्थलीय निरीक्षण इसने कर रखा है लड़के ने, अब वो कह रहा है केवल भूवैज्ञानिक की टीम आ जाए। ये आप बता दो इसको, आपका पटवारी यदि हो पा ना, हाँ ये बता दो भाई, आपके एस डी एम साहब है के नदी हो साहब, और मतलब कर्ज गाड़ो तो प्लास्टिक डालो बस टैक्स टैक्स रहो जो बाजी बात है। अब टेंट ले रहे हैं, इनको तो टेंट तो दे देते हैं भाई, ये लोग वास्तव में प्लास्टिक में रह रहे हैं ना वहाँ जी, देखा है उन्होंने तो। है? घर है सर, नहीं घर है, रहने लायक है घर, घर में तो रह रहे हैं। निर्माण हो रहा था बैरादिम बनल कब, वो यहाँ कहकर बता रहा खैर मुझे भैया साहब हैं, इतने बताओ तभी
अब समस्या हो गई ना वो काम बांधो ना फंदुने धो हो गए नाच ने राहुल में धो हो गया अरे उदीन रख उन्हें दोहर देना करी हम से दो दिन करे हो गए मिल जाने बता जाने बता सकने आए ना काम के साथ में बोर्डिंग के इस जनमिलन केंद्र में मंच पर उपस्थित गांव की प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान बहन राधा देवी जी, मंच पर उपस्थित इस विकासखंड के पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री कुंदन सिंह बथियाल जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री नरेश द्विवेदी जी, और जो हमने चुनाव में आप लोगों से वादा किया था उस वादे को पूरा करें। कुछ अपनी परिस्थितियां, कुछ शारीरिक परिस्थितियों के कारण आप लोगों के बीच नहीं पहुंच पाया, फिर भी अल्लाह जोहार के केवल 11 गांव छूट गए, बाकी तो हमने करीब करीब सभी गांव में चले गए थे। आज ये जो प्रोग्राम हमारा है, कोई न चुनाव प्रोग्राम है न राजनीतिक प्रोग्राम है, यह मैं केवल इस बरसात में आप लोगों से मिलने आया हूँ। आप लोगों की पीड़ा, कहीं आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है, उसको देखने जानने आया हूँ। और एक जो मैंने पिछली बार कहा था कि अब विधायक निधि, जो विधायक की निधि नहीं, आप लोगों का अपना निधि है, आप लोगों के आशीर्वाद से जो कुछ धन गांव के विकास में बांटने का जो हमको अधिकार आप लोगों ने दिया है, उसको मैंने इस बार तय किया था कि मैं आप केवल प्रस्ताव मांग के नहीं करूँगा, गाँव की खुली बैठक में मैंने कहा सबके सर्वसहमति से उस योजना को चढ़ाऊंगा, उसी संबंध में आपके बीच आया हूं। तो मेरा ये कहना है कि जहां पर भी आप लोगों को जिस चीज की भी समस्या है, आप उस चीज से अवगत कराएं, और बाकी तो आप लोगों ने अपना प्रस्ताव मुझे यहां पर दे दिया है गांव का। एक हफ्ते 10 दिन पहले भाई हमारे एसडीएम सुंदर राठौर जी का एक फोन आया था कि उन्होंने कहा दाजी हम गाँव के लोग सभी मीटिंग में बैठे हैं और हम इंटर कॉलेज बिरथी में शहीद दीवान सिंह दानू जी का एक जो है स्मारक बनाना चाह रहे हैं, उनकी जो है पूर्ति लगाना चाह रहे हैं। बोला हम लोग मीटिंग में तय कर रहे हैं कि हम चंदा करें। तो मैंने कहा अगर आप लोगों ने मुझे तीसरी बार विधायक बनाया है और मेरे होते हुए अगर आपको देश के उस महान विभूति के लिए अगर चंदा करना पड़े, तो मैंने कहा यह मेरे लिए भी शर्म की बात है। तो मैं आज सबको कहना चाहता हूं कि जल्दी ही हम हमारे उत्तराखंड का ही नहीं, हमारे धारचूला मुंशियारी का ही नहीं, पूरे देश का जो सम्मान है, जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों को निछावर किया, उस महावीर चक्र विजेता शहीद दीवान सिंह दानू जी का एक जो है स्मृति हम इस इंटर कॉलेज में बनाएंगे। मैं यहां से जाती हूं, उसके लिए भी धन जारी करूंगा। दूसरा, आप लोगों ने मुझे एक जो प्रस्ताव दिया है, आप इसमें मुझे सबसे मुख्य जो सबसे अभी जरूरत है वो मुझे बता दीजिए कि एक तो ये शमशान घाट का रास्ता है, मेन हाँ इसमें विधायक नीति से शमशान घाट का ही रास्ता है, बाकी जो अभी आप लोगों ने भूकटाव रोकने के लिए कहा उसमें सिंचाई विभाग से हम लोग कुछ सुरक्षा दीवारें बनवाएंगे, कुछ भूमि संरक्षण और फॉरेस्ट के माध्यम से वनीकरण का गुरुजी ने जो प्रस्ताव दिया उसको कराने का काम करेंगे, इसको मैं प्रस्ताव में चढ़वा दूंगा। बाकी जो इंटर कॉलेज का मामला है, मैं यहाँ से जाने के बाद जब विधानसभा का मीटिंग का जो है होगा उसमें मैं इस इंटर कॉलेज के भवन को प्रस्तावित कराकर इसको बनाने का काम कराएंगे, क्योंकि यह इंटर कॉलेज का भवन वास्तव में ना विधायक निधि से बन सकता है ना जनता के सहयोग से बन सकता है, इसके लिए हमको सरकारी धन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यह 1.5 करोड़ से कम में जो है कम के बजट में यह बिल्डिंग नहीं बन सकता है। तो ये तो हमारी प्राथमिकता होगी। और ओबीसी जाति का ये आज ही नहीं, बार बार भाई सुंदर राठौर जी और जगत बिरथवाल जी कहते रहते हैं, जब यह 7-8 जातियां छूटी उसके बाद हरिद्वार में पिछड़ी जाति आयोग का जो है हम लोगों ने एक मीटिंग की थी,
और जिलाधिकारी उसमें हरिचंद सेमवाल जी थे उस मीटिंग में, उनको भी मैंने बुलवाया था। हमने अपनी तरफ से इसको चयनित भी कर लिया था, लेकिन राष्ट्रपति शासन, उसके बाद कुछ समय में चुनाव आ गया जिससे कि ये लोग वंचित रहे हैं। और बहुत से जातियां तो नाम गलत प्रिंट होने से भी छूटे हुए हैं। निश्चित तौर पे आप सबको भरोसा दिलाता हूं, और मैं इसकी तैयारी भी कर चुका हूं कि कितनी जातियां हमारी छूटे हैं और कितनी जातियां प्रिंट मिस्टेक से छूटे हुए हैं। तो मैं इस बार के विधानसभा सत्र में कार्यस्थगन के माध्यम से इस मामले को रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे जो ये लोग छूट गए हैं उनको भी हमारे ओबीसी का जो है लाभ मिले, ये मैं पूरा काम करूँगा। तो यार दोस्तों, शाम हो गई है और आज हमारे बीच आए हुए थे मिलने के लिए हमारे विधायक जी श्री हरीश धामी जी, और गांव वालों की काफ़ी समस्याएं सुनी और काफ़ी समाधान भी ऑन द स्पॉट किया। जैसे कि आपने सुना होगा, एसडीएम साहब को कॉल किया, डीएम साहब को कॉल किया और उन्होंने डायरेक्ट ही मतलब वार्तालाप की उनसे फ़ोन में, बिल्कुल मीटिंग के सामने ही आपने देखा होगा। तो काफ़ी अच्छा लगा, ऐसे दमदार नेता हमारे देश में और होना भाई, मज़ा आ जाए। आधे तो हैं, कुछ और हो जाएं तो और मज़ा आ जाए। जैसे देश में मोदी जी हैं और यूपी में योगी जी हैं, हमारे तल्ला जोहार और मल्ला जोहार विधानसभा में हैं धामी जी, ऐसी और नेता होना भावी नेता, तो हमारे देश का कायाकल्प ही चेंज हो जाए यार दोस्तों, अगर ऐसे नेता और भी हो तो। तो यार दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आज की वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल।